हेलो फ्रेंड्स, नो इकोनॉमिक्स जानिए अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेम्स ड्यूजेनबेरी के सापेक्ष आय परिकल्पना यानी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस के बारे में। पर इससे पहले कि हम ड्यूजेनबेरी की सापेक्ष आय परिकल्पना को समझें, हमें इस परिकल्पना या हाइपोथेसिस के बैकग्राउंड को भी समझ लेना चाहिए। 1936 में जब प्रोफेसर जेम केन्स ने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी नाम की किताब लिखी, तो उन्होंने इस किताब में लोगों के उपभोग व्यवहार या कंजम्पशन पैटर्न की भी व्याख्या की, जिसे उन्होंने फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ कहा। प्रोफेसर केन्स का कहना था कि लोगों का उपभोग उनकी निरपेक्ष आय या एब्सोल्यूट इनकम पर निर्भर करती है, और जैसे जैसे ये निरपेक्ष आय बढ़ती है, उपभोग पर किया जाने वाला कुल व्यय कम होता चला जाता है, यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम व्यक्ति की आय बढ़ने के साथ साथ कम होती चली जाती है। और ठीक ऐसा ही एमपीसी या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के साथ भी होता है। प्रोफेसर केन्स का ये पूरा विचार, जिसे वे फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ या मूलभूत मनोवैज्ञानिक नियम कहते थे, किसी तरह की एम्पिरिकल स्टडी पर आधारित नहीं था। ये तो उनके अनुभव पर आधारित था, जो कि हमें उनकी राइटिंग्स को पढ़ने से पता चलता है। और प्रोफेसर केन्स के इस हाइपोथेसिस पर तब तक सवाल नहीं किया गया जब तक कि 1946 में साइमन कुजनेट्स की स्टडी पब्लिश नहीं हुई। साइमन कुजनेट्स ने यूएसए के 1869 से 1938 तक के कंजम्पशन और इनकम डेटा को एनालाइज किया, और उन्होंने पाया कि लोगों की औसत उपभोग प्रवृत्ति वैसी नहीं है जैसा कि प्रोफेसर केन्स बतलाते हैं। इन 70 बरस के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर कुजनेट्स ने पाया कि लोगों की औसत और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति लगभग स्थिर बनी हुई है। एपीसी और एमपीसी 0.9 के बराबर है। लोगों की आय बढ़ने के साथ साथ इसमें ज्यादा परिवर्तन भी नहीं हुआ है। उपभोग प्रवृत्ति या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लगभग स्थिर है। साइमन कुजनेट्स की स्टडी के बाद अर्थशास्त्रियों के बीच एक विमर्श, एक विवाद शुरू हुआ कि असल में कंजम्पशन फंक्शन कैसा होता है। क्या उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होती है जैसा कि कुजनेट्स बतलाते हैं, या फिर उपभोग प्रवृत्ति घटती हुई होती है जैसा कि केन्स कहते हैं। केन्स और कुजनेट्स की थ्योरीज के बीच इस कॉन्फ्लिक्ट को कुजनेट्स पजल कहा जाता है, जिसे सोल्व करने का सबसे शुरुआती प्रयास जेम्स ड्यूजेनबेरी ने अपने सापेक्ष आय परिकल्पना के माध्यम से किया। ड्यूजेनबेरी का यह विश्वास था कि लोगों की औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी लंबी अवधि में स्थिर रहती है, जबकि अल्पावधि में इसमें परिवर्तन हो सकता है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, एपीसी क्या है, एमपीसी क्या है, कुजनेट्स पजल क्या है, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ क्या है, इन सब पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोस को देख लें, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब इससे पहले कि हम ड्यूजेनबेरी के रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ऑफ कंजम्पशन या उपभोग के सापेक्ष परिकल्पना को समझें, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम पहले ये समझ लें कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट यानी सापेक्ष निरपेक्ष का क्या अर्थ है। यहाँ सापेक्ष का मतलब है कि किसी के साथ तुलना की जा रही है, और निरपेक्ष का मतलब है कि किसी के साथ तुलना नहीं की जा रही है या तुलना से स्वतंत्र है। मान लीजिए एक व्यक्ति की आय 10,000 रुपये है और उसमें 10% की वृद्धि हुई है। यह 10% की वृद्धि उस व्यक्ति के लिए आय में निरपेक्ष वृद्धि या एब्सोल्यूट इंक्रीज इन इनकम है। यह 10,000 रुपये उस व्यक्ति की एब्सोल्यूट इनकम यानी निरपेक्ष आय है, और 10,000 रुपये में 10% की वृद्धि आय में निरपेक्ष वृद्धि है। अब यदि आय में सापेक्ष वृद्धि का पता लगाना है तो हमें पहले व्यक्ति की आय का किसी दूसरे व्यक्ति की आय से तुलना करनी होगी। मान लीजिए कि दूसरे व्यक्ति की निरपेक्ष आय भी 10,000 रुपये थी, और मान लीजिए कि उसकी निरपेक्ष आय में 15% की वृद्धि हुई है। अब अगर यह पूछा जाए कि पहले व्यक्ति की आय में सापेक्ष वृद्धि या रिलेटिव इंक्रीज इन इनकम कितना है, तो आप देख सकते हैं कि पहले व्यक्ति की आय शुरू में 10,000 रुपये थी, जिसमें 10% की वृद्धि हुई थी। वहीं दूसरे व्यक्ति की आय भी 10,000 थी, जिसमें 15% की वृद्धि हुई थी। तुलना करने पर हमें यह मालूम होता है कि भले ही पहले व्यक्ति की आय में 10% निरपेक्ष वृद्धि हुई है, पर दूसरे व्यक्ति की आय में वृद्धि के मुकाबले उसकी आय में कम वृद्धि हुई है। यानी भले ही पहले व्यक्ति की आय में निरपेक्ष वृद्धि 10% यानी 1,000 रुपये की वृद्धि हुई है, पर यदि पूछा जाए कि सापेक्ष वृद्धि या रिलेटिव इंक्रीज कितना है, तो यह वास्तव में 400 रुपये कम हो गई है।
दोस्तों, हमने रिलेटिव और एब्सोल्यूट यानी सापेक्ष और निरपेक्ष का क्या अर्थ है उसे अच्छे से समझ लिया है। चलिए अब जानते हैं कि जेम्स ड्यूजनबरी का रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस या सापेक्ष आय परिकल्पना क्या है। 1949 में जेम्स ड्यूजनबरी ने एक किताब पब्लिश कराई, इनकम सेविंग एंड द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इस किताब में उन्होंने लोगों के व्यवहार से जुड़ी दो महत्वपूर्ण बातों की व्याख्या की। पहला कि लोगों का उपभोग उनकी निरपेक्ष आय के बजाय उनकी सापेक्ष आय पर निर्भर करता है, यानी किसी समय व्यक्ति अपनी आय का कितना भाग उपभोग पर खर्च करेगा यह समाज में अन्य दूसरे लोगों द्वारा किए जाने वाले व्यय के स्तर पर निर्भर करता है। और दूसरा कि यदि व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है पर साथ ही साथ समाज में अन्य लोगों की आय में भी समान रूप से वृद्धि होती है तो व्यक्ति द्वारा उपभोग पर किया जाने वाला व्यय प्रतिशत रूप में पहले जितना ही बना रहेगा। अगर व्यक्ति अपनी आय में निरपेक्ष वृद्धि से पहले आय का 90% भाग उपभोग पर खर्च कर रहा था तो आय के बढ़ जाने के बाद भी अपनी आय का 90% भाग ही उपभोग पर खर्च करेगा, उसकी औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी कम नहीं होगी। यानी ड्यूजनबरी मानते हैं कि लोगों की औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी एपीसी स्थिर होती है। चलिए इसे एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ ओ एक्स एक्सिस में डिस्पोजेबल इनकम यानी खर्च योग्य आय को दिखलाया गया है और ओ वाई एक्सिस में उपभोग और बचत को दिखलाया गया है। यहाँ वाई रेखा व्यक्ति की आय को बतला रही है जो एक 45 डिग्री की रेखा है जो हमें यह बतला रही है कि यदि सारी आय उपभोग पर खर्च कर दी जाती है तो हमें इस प्रकार की एक रेखा मिलेगी। हम जानते हैं कि सारी आय उपभोग पर खर्च नहीं की जाती है, कुछ बचा लिया जाता है। यहाँ सी सी रेखा केन्स के विचारों पर आधारित उपभोग रेखा है। शुरू में व्यक्ति की आय ओ वाई वन है तथा वह वाई वन ए के बराबर उपभोग कर रहा है। अब जब व्यक्ति की आय ओ वाई वन से बढ़कर ओ वाई टू हो जाती है तो प्रोफेसर केन्स के अनुसार व्यक्ति की औसत उपभोग प्रवृत्ति आय के बढ़ने के साथ कम होनी चाहिए और उपभोग ओ वाई टू आय स्तर पर बी वाई टू होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है और आय बढ़ने पर उपभोग वाई टू बी के बजाय वाई टू ए डैश हो जाता है। वाई वन आय स्तर पर औसत उपभोग प्रवृत्ति अगर 0.9 थी तो केन्स के अनुसार ओ वाई टू आय स्तर पर उपभोग प्रवृत्ति 0.9 से घट जानी चाहिए थी, पर ड्यूजनबेरी के अनुसार ऐसा नहीं होता है और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम स्थिर बनी रहती है। अगर यहाँ एपीसी 0.9 थी तो यहाँ भी 0.9 ही बनी रहेगी। इसलिए ड्यूजनबेरी के अनुसार कंजम्पशन कर्व सी सी के बजाय ये रेड लाइन होगा जो एक स्थिर एपीसी को बतलाएगा। दोस्तों, हमने अभी तक यह जान लिया है कि ड्यूजनबेरी के अनुसार व्यक्ति का उपभोग उसकी निरपेक्ष आय के बजाय उसकी सापेक्ष आय पर निर्भर करता है और हमने यह भी जान लिया है कि लोगों की औसत उपभोग प्रवृत्ति एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम स्थिर होती है, पर हमने अभी तक यह नहीं जाना है कि ऐसा क्यों होता है। ड्यूजनबेरी की सापेक्ष आय परिकल्पना में ऐसी कल्पना क्यों की गई है? तो दोस्तों, इसके दो कारण हैं। पहला कारण है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या प्रदर्शन प्रभाव और दूसरा कारण है रैचेट इफेक्ट या रैचेट प्रभाव। चलिए सबसे पहले समझते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या है। दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या प्रदर्शन प्रभाव का मतलब है कि व्यक्ति अपने पड़ोसी या समाज के अन्य लोगों के लाइफस्टाइल को कॉपी करना चाहता है। अगर वह ऐसी सोसाइटी में रहता है जहां लोगों का रहन सहन ऊंचा है तो वह उस रहन सहन को मैच करने की कोशिश करता है भले ही उसकी आय और जरूरतें कम हो। मान लीजिए एक व्यक्ति गांव से शहर की ओर बेहतर काम की तलाश में आता है। गांव में वह 10,000 रुपये कमाता था जिसमें से 8,000 वह तमाम तरह की चीजों पर खर्च कर देता था और 2,000 रुपये की बचत करता था, यानी उसकी एपीसी 0.8 के बराबर थी। अब मान लीजिए कि वह शहर आता है और उसे 20,000 रुपये महीने की नौकरी मिल जाती है, पर चूंकि शहर में लोगों का रहन सहन गाँव के रहन सहन के मुकाबले ऊंचा होता है, शहर में पैसे खर्च करने के बहुत तरीके होते हैं, हो सकता है कि वह जिस सोसाइटी में रहता है वहां लोगों का रहन सहन ऊंचा है और वह व्यक्ति 8,000 रुपये में उस रहन सहन को नहीं जी सकता है। और अब चूंकि उसकी आय भी 10,000 रुपये से बढ़कर 20,000 हो गई है, वह उस सोसाइटी के रहन सहन को मैच करने की कोशिश करेगा और अब वह 16,000 रुपये उपभोग पर खर्च करेगा और 4,000 रुपये बचा लेगा। भले ही यहाँ बचत बढ़ गया हो पर एपीसी अभी भी 0.8 के बराबर है। चलिए अब समझते हैं रैचेट इफेक्ट का क्या मतलब है। जब लोगों की कुल आय बढ़ती है तो उनका कुल उपभोग व्यय भी बढ़ता है,
लेकिन ठीक इसके उलट जब लोगों की आय घटती है तो लोगों का कुल उपभोग व्यय उस अनुपात में नहीं घटता है जितना कि आय के बढ़ने पर बढ़ा था, यानी आय घटने पर कुल उपभोग व्यय में कम कमी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग ऊंचे जीवन स्तर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के आदी हो चुके होते हैं और जब उनकी आय घटती है तो वे अपने पुराने उपभोग स्तर को कम नहीं कर पाते हैं और अपनी आय का ज्यादा भाग खर्च करके भी उस पुराने जीवन स्तर को मेंटेन करना चाहते हैं। यही रैचेट इफेक्ट है। अब यदि लंबी अवधि तक आय में कमी बनी रहे तो हो सकता है कि धीरे धीरे लोग उपभोग व्यय कम कर दें। चलिए रैचेट इफेक्ट को एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ओ एक्स एक्सिस में डिस्पोजेबल इनकम और ओ वाई एक्सिस में कंजम्पशन और सेविंग्स को दिखलाया गया है। वाई आय की रेखा है और सी एल आर व्यक्ति का दीर्घकालीन उपभोग रेखा है जो जीरो से शुरू हो रही है। इसका मतलब है कि दीर्घकाल में यानी लंबी अवधि में जब व्यक्ति की आय घटकर शून्य हो जाती है तो उपभोग भी शून्य हो जाता है। और अगर एपीसी स्थिर हो तो हमें इस तरह की एक सीधी उपभोग रेखा मिलती है। लेकिन अल्पकाल में व्यक्ति की उपभोग रेखा सीएसआर कुछ इस तरह की होती है या सीएलआर की अपेक्षा अधिक चपटा होता है। आप देख सकते हैं कि शुरू में आय ओ वाई वन है, तब व्यक्ति का उपभोग सी वन वाई वन है और जब आय में वृद्धि होती है और आय बढ़कर ओ वाई टू हो जाती है तो व्यक्ति का उपभोग बढ़कर सी टू वाई टू हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति की आय ओ वाई टू से घटकर ओ वाई वन हो जाती है तो उसका उपभोग घटकर सी वन वाई वन नहीं होता है बल्कि यह सी डैश वन वाई वन हो जाता है। साफ है कि आय के घटने पर उपभोग घटता है पर उतना नहीं घटता है जितना कि पहले था। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने ड्यूजनबेरी की सापेक्ष आय परिकल्पना रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस क्या है उसे अच्छे से समझ लिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नए वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।